वाराणसी पुलिस लाइन में 72वें गणतंत्र दिवस की तैयारियां पूरी। इस मौके पर वाराणसी पुलिस कमिश्नर ए सतीश गणेश ने गणतंत्र दिवस परेड की सलामी लिया और अधिकारियों व कर्मचारियों को संविधान की शपथ दिलाई। देखिए हमारे संवाददाता गौरव मारुति की ये रिपोर्ट। इस प्रकार परेड कमांडर थे परेड का पांचवी टोली महिला पुलिस लाइन की टोली उप निरीक्षक सुश्री सुमन यादव के नेतृत्व में मोटरसाइकिल दस्ता मंच के सामने से गुजरते हुए मोटरसाइकिल दस्ता उपरीक्षक रवि मलिक के नेतृत्व में स्वाट टीम आरक्षी रुद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में उसके बाद वायरलेस दस्ता आर्यसाई हरिशंकर राय जी के नेतृत्व में फायर सर्विस मुख्य आरक्षक सुशील रावत के नेतृत्व में हमें आपदाओं
सेवा, जोश और उत्साह से लबरेज सभी टुकड़िया। कदम कदम बढ़ाए जाए, खुशी के गीत गाए जाए, ये जिंदगी है कौम की, तो कौम पे दिखाया जाए। मंच के सामने उपस्थित है आपको देना चाहूंगा। लगभग यहां तक की जो परेड अब तक हुई है उसमें तीन चार चीजें हैं। जोश का लेवल बहुत अच्छा है, आप लोगों ने काफी मेहनत की है, ये दिखाई पड़ रहा है। लेकिन मेरा उद्देश्य ये है कि जो छोटी छोटी कमियां आज दृष्टिगोचर हुई हैं, उन कमियों को दूर करने के लिए आपको थोड़ा सा और एकाग्रचित होकर थोड़ा सा कंसंट्रेट करना पड़ेगा। परेड कमांडर से मेरी गुजारिश होगी कि वह परेड के सीक्वेंस को मेंटली ज़्यादा विजुअलाइज करें, क्योंकि ये बेसिक प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आप सामने की तरफ फेस कर रहे होते हैं और आपको ये अनुमान रखना पड़ता है दिमाग में काफ़ी लंबे समय तक कि आपकी परेड किस स्टेज में है, यानी कि किस दशा में खड़ी है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर स्वागत उद्बोधन होने के उपरांत अगर आगे की कोई कवायद है जिसमें परेड इन्वॉल्व है, यू मस्ट नो, या आपको ये मालूम होना चाहिए कि परेड विश्राम की दशा में खड़ी है। यहाँ पे संकल्प लिया जाएगा, तो जो संकल्प यहाँ से पढ़ाया जाता है आप लोगों ने उसकी भी प्रैक्टिस कर ली होगी, एक बार उसे हमारे साथ दोहराने के जो प्रैक्टिस है उसकी कवायद को कर रहे हैं।
हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाज धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक बनाने को तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।